रही है क्राइम स्टोरी। जनपद शामली के कस्बा कांदला के राजकीय महाविद्यालय में आयोजित महिला सशक्तिकरण पावन एंजलिस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसपी डॉक्टर जयपाल शर्मा ने कहा है कि आज अनदेखी के चलते छात्राओं व महिलाओं से जुड़े अपराध बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन व प्रदेश सरकार ने 1090 की सेवा को शुरू कर महिला सुरक्षा को और भी मजबूत करने का काम किया है। उन्होंने बताया कि 1090 से जुड़कर आम छात्रा व पावर एंजलिस बनी छात्राएं छेड़छाड़ व अन्य गंभीर घटनाओं पर नजर रखते हुए सीधे इसकी शिकायत 1090 पर फोन द्वारा कर सकती है। शिकायत करने वाली छात्रा का नाम व पता गोपनीय रखा जाएगा। एसपी शामली ने बताया कि छात्राएं फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, सोशल साइट के जरिए भी किसी भी समस्या की शिकायत कर सकती है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के शामली से संवाददाता फुरकान जंग की रिपोर्ट। कांदला डिग्री कॉलेज में जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनको जो उनके अधिकार हैं उनके बारे में जागरूक करने के संबंध में और जो उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं महिला सशक्तिकरण के संबंध में, महिला सुरक्षा के संबंध में, उन सभी के बारे में अवगत कराया गया। जो रिसोर्सेज, जो साधन उनके पास अवेलेबल है, जिसके माध्यम से अगर कोई भी किसी प्रकार की समस्या उनको आ रही है उस समस्या को रख सके, ताकि हम एश्योर करें अपनी तरफ से ज्यादा से ज्यादा उसकी उस समस्या को जल्दी से जल्दी हल किया जाएगा और पूर्ण सुरक्षित एटमॉस्फेयर उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि वो पूरी तरह से अपने कार्यों को, अपनी शिक्षा को, अपने कार्यों को पूरा कर सके। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।